दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाटा पंच के साथ एक एक्सेसरीज जो हम लोग को दिया गया है, वो बेसिकली टाटा की मोबिलिटी किट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द टायर मोबिलिटी किट फ्रॉम टाटा। तो ये टाटा अभी हर एक गाड़ी के साथ ये दे रहे हैं एज एन फ्री एक्सेसरी। आपको मिलेगा टायर इन्फ्लेटर, ठीक है, और इसके साथ आपको एक पंक्चर रिपेयर का सिलेंट आपको मिलेगा। टेस्ट करेंगे ये किस तरह से फंक्शन करता है, कैसा है इसका परफॉर्मेंस, ये आज हम टेस्ट करेंगे, और इसका क्वालिटी भी कैसा है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त आप ज़रूर बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। देखिए इस पंक्चर रिपेयर किट के साथ आपको एक मिलता है तो क्लोज दिस, ये बहुत ही अच्छा एक फीचर मुझे लगा। तो चलिए प्रेशर मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। आपको एक बात बता दूं कि टाटा पंच में आप कोई भी वेरिएंट लीजिए, प्योर हो या एडवेंचर हो, क्रिएटिव हो या एकम्प्लिश हो, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है। आप अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग किट लगाना चाहते हैं तो आप शोरूम से लगा सकते हैं या आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं। एवरी 14 डेज अंतर आपको अपना टायर प्रेशर चेक करना चाहिए। मेरा गाड़ी का 14 डेज हो चुका है और इस 14 डेज में मैंने टायर प्रेशर तो चेक नहीं किया, तो आज चलिए चेक करके देखते हैं कि टायर प्रेशर कितना है। अगर मैं बात करूं टायर प्रेशर की, क्या टायर प्रेशर होना चाहिए टायर में, उसका डिटेल्स आपको हर एक गाड़ी का जो ड्राइवर सीट है उसके नीचे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो टाटा पंच में फ्रंट टायर का प्रेशर होना चाहिए 32 PSI और रियर टायर का भी 32 PSI होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। ये रहा आप 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग चार्जर इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम 12 वोल्ट सॉकेट में लगाएंगे। टाटा पंच में आपको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, घुसा देते हैं इसको। इसका जो वायर है, ये वायर थोड़ा फ्लिमजी है बट आई थिंक इट इज ड्यूरेबल। कंपनी जिसका है ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल कंपनी का है। कॉन्टिनेंटल आपको शायद पता ही है, कॉन्टिनेंटल इज बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉन्टिनेंटल का है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा अनटैंगल कर देते हैं। और जब भी आप ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर यूज करते हो, तो दिस इज बेसिकली एन ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर, मतलब ये यूजेस द बैटरी पावर ऑफ योर कार टू इन्फ्लेट योर टायर्स। तो उसको यूज करने से पहले आप हमेशा गाड़ी को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर बिना स्टार्ट करके अगर इस टायर इन्फ्लेटर को यूज करते हैं तो आपका बैटरी, गाड़ी का जो बैटरी है वो बहुत जल्दी जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले बिफोर यू स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी ऑफ मेजरिंग द टायर प्रेशर और इन्फ्लेटिंग एयर इन टू योर टायर्स, यू नीड टू स्टार्ट योर कार। तो चलिए पहले कार को स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप कार को स्टार्ट करें, वेदर इट्स अ ओल्ड कार, नो मैटर व्हाट, पहले आप क्लच को दबाइए, उसके बाद ही आप कार को स्टार्ट कीजिए। तो इसमें फायदा ये होता है कि अगर इफ एट ऑल इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आपने नए नए गाड़ी चलाना सीखे हैं, इफ एट ऑल यू आर नॉट अवेयर वेदर योर कार इज इन गियर और नॉट, ये चीज आपको बचाएगा फ्रॉम एक्सीडेंट। तो क्लच दबा के, अगर आप क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो गाड़ी का जो गियर का जो एक्टिविटीज वो नहीं होता है, मतलब गाड़ी मोशन में नहीं रहेगा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो उससे पहले आप चेक कर लो कि गियर न्यूट्रल में है कि नहीं, और हैंड ब्रेक हमेशा नीचे होना चाहिए। देखिए मेरा हैंड ब्रेक अभी नीचे है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी मैं धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर दिया, अभी चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए मैं पहले सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने ये फर्स्ट फ्रंट टायर्स के साथ लगा चुका हूँ, और अभी यहाँ पे जो रीडिंग दिखाई दे रहा है इट्स क्लोज टू 20 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 40 से थोड़ा कम है, मतलब 30 के आसपास है इसका जो प्रेशर। तो अभी इसको हम ऑन करेंगे। कैसे ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन को अगर हम ऑन करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा।
डालेंगे। ओके, और ये जो कैप है, व्हील कैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हमेशा सिक्योर करके रखेगा। इससे सुविधा यह होता है कि ये मिट्टी पानी घुसने नहीं देता है, और ये कैप अगर आप खो जाते हैं तो यहाँ पे मतलब रस्टिंग हो जाता है, तो इसको बचाने के लिए ये व्हील कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपको हर एक टायर को चेक करना है। मैंने ऑलरेडी बाकी तीनों टायर को चेक कर लिया, सबका प्रिपरेशन सेम है। तो चलिए इसको अभी खोलते हैं। खोलना भी बहुत ही आसान है, बस आपको इसको ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको ऐसे करके, वेरी गुड थिंग विच दे हैव गिवन, एंड आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट टाटा मोटर्स फॉर गिविंग दिस किट एज अ कम्प्लीमेंटरी थिंग टू ऑल द ओनर्स ऑफ द कार्स। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम टाटा मोटर्स। कोई भी ब्रांड का गाड़ी नहीं देता है। आई थिंक बीच में कुछ ब्रांड ने क्या किया था, दे स्टॉप्ड गिविंग स्टेपनी टायर्स और they started introducing this puncture repair kits, but Tata Motors तो Stepney tires भी देते हैं, उसके साथ साथ ये puncture repair kit भी देते हैं। This is a very good initiative from Tata Motors. Thank you, Tata Motors, for this. So दोस्तों यही था छोटा सा एक video regarding how to use tire pressure monitoring kit या tire inflator, a complimentary tire inflator from Tata Motors. This is basically tire mobility kit which comes as a free with all the cars of Tata. So thank you. So this is what the operations are. Is tarah se aap isko operate karna chahiye. To precautions kya lena chahiye, maine already video mein bata diya aapko, chota sa video tha. I hope aap log ko ye video pasand aayega. Agar pasand aaye to please ek like deke mujhe support kijiyega. चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।